हेलो दोस्तों, ये क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपको यानी कि लाभ के फार्मूले बताता हूँ। ये लाभ यानी जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए ये होते क्या है। तो देखिए हमारे पास यहाँ दे रखा है लाभ बराबर प्रॉफिट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। तो इसका पहला फार्मूला होता है, जब भी हम इसका सवाल करते हैं तो कब हमको लाभ निकालना है, कब लाभ प्रतिशत निकालना है, कब विक्रय मूल्य, कब क्रय मूल्य निकालना है, तो किस मेथड से निकालते हैं। तो अगर हमारे पास ये फार्मूले अगर हमको याद नहीं होंगे तो हम कोई भी कार्य आगे नहीं कर सकते। तो देखिए उसके लिए मैंने फार्मूले तैयार किए हैं, आपको फार्मूले बताता हूँ। देखिए बहुत ही शॉर्ट सिंपल मेथड से समझाया मैंने। इसमें हमारे पास दे रखा है यानी कि पहला लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे, जब ये लाभ हम प्राप्त करेंगे तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा के प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड वाले फार्मूले पे आते हैं, लाभ प्रतिशत। ये लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है हमको, तो यहाँ लिखना है आपको लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कि लाभ गुणा 100 और क्रय मूल्य को लिख के इसका सलूशन हमको करना है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने थर्ड फार्मूला तैयार किया है, विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ठीक है, तो इस मेथड से भी हम इसके यानी कि सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तब तक हम जाके विक्रय मूल्य को निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास आता है चौथा फार्मूला, जिसमें दे रखा है क्रय मूल्य बराबर 100 गुणा विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो देखिए ये फार्मूला हम इस फार्मूले से हमने तैयार किया है। तो इस फार्मूले से कैसे तैयार किया है, तो देखिए हम इसकी जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जाके, तो हमारे पास विक्रय मूल्य और गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ आ गया हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई की तो ये हमारे पास ऊपर आ गया 100 गुणा विक्रय मूल्य। ये जो चीज थी वो हमारे पास इसके बटे में आ गई, वो हमने यहाँ पे बटे में लिख ली। इस तरीके से हमने इसमें से भी फार्मूला तैयार कर सकते हैं।